हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक शायरी के साथ में। अर्ज किया है, लॉकडाउन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, लॉकडाउन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुद होता है, खुदा नहीं। ठीक है, खुदा के ऊपर ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ है, बट मंजूर है खुद होता है। क्यों? क्योंकि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सर हमारी रजा क्या है? सर इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। इज इट क्लियर? उसके लिए जितने रिस्ट्रिक्शंस लाने पड़े, जितने डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़े, हम रेडी है सर। ठीक है, बट इंटर एक बार में निकालना है क्लास। आई होप इट इज क्लियर। कोई लॉकडाउन, कोई रीजन हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट रीजन विल बी एक्सक्यूज फॉर अस। वी हैव टाइम and we need to do it class, okay? So शुरू करते हैं क्लास, आज का लेक्चर। इसके पहले अभी तक की कहानी में हम इक्विटी शेयर्स देख चुके हैं, प्रिफरेंस शेयर्स देख चुके हैं, इज इट क्लियर? दोनों के बायबैक और रिडेम्पशन देख चुके हैं। इसी के साथ हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं क्लास। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर, कुछ सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है जो हम याद करते हुए चल रहे सर। जैसे टाइप्स ऑफ शेयर्स सेक्शन 43, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डीबीआर सेक्शन 43, बायबैक ऑफ शेयर्स सेक्शन 68, फिर सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा सेक्शन 69। अरे बाबा याद आया क्या? ठीक है, उसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर्स का इश्यू और रिडेम्पशन। प्रेफरेंस किसको दो? 55 वालों को, 55 सेक्शन 55। I hope it is clear. उसके बाद सर हमने देखा सेक्शन 52 क्या बोलता है, शेयर्स एट प्रीमियम। 53 क्या बोलता है, शेयर्स एट डिस्काउंट। 54 क्या बोलता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। एंड राइट शेयर्स हमने देखा था सेक्शन 62 में क्लास। I hope it is clear. So उसी की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं और कुछ नए कंसेप्ट आज देखते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज क्लास हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलो तो क्लास, अगर आपको याद होगा तो हम फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स देखे थे, उसमें हमने राइट शेयर्स कंप्लीट कर लिया था। सर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब क्या है? पहली बार आपने शेयर्स इश्यू कर दिया, आपने आईपीओ यानी पब्लिक ऑफर किया होगा या प्राइवेट प्लेसमेंट किया होगा, वो आपके ऊपर। बट अगर आपने पहली बार शेयर इश्यू कर दिया है तो दूसरी बार भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, दूसरी बार भी तो शेयर इश्यू करोगे। तो दूसरी बार आप शेयर कैसे इश्यू कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे क्लास ठीक है चार ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है क्लास? चार। या तो आप पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछोगे यानी राइट शेयर इश्यू करोगे, या फिर आप अपने इंप्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो, यानी सिर्फ इंप्लॉइज को शेयर इश्यू कर सकते हो अंडर ESOP स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS बोलते हैं इसे या ESOP बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक ही बात है। या फिर सर हम प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करेंगे, पूरे गांव को देने के बदले कुछ लोगों को देंगे। आई होप इट इज क्लियर। उसे बोलते हैं प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, देखेंगे सब क्या है। या फिर ठीक है हमारे शेयर ऐसे इश्यू हुए सर कि हमारे जो लोन थे या डिबेंचर थे वो कन्वर्ट हो गए इंटू शेयर्स। सर बोलना क्या चाह रहा हूं, जब मैं नेक्स्ट टाइम में शेयर इश्यू करूंगा या तो राइट इश्यू करूंगा, या फिर अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूं, या फिर ठीक है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहा हूं कुछ वीआईपी लोगों को, या फिर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं अपने डिबेंचर्स या लोन इंटू शेयर्स। याद रखना क्लास, ये सारे सेक्शन पे डील करता है सेक्शन 62, राइट शेयर्स सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ESOP क्लॉज बी, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट क्लॉज सी। तो ये ए बी सी हो गए अपने, एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू लोन, इसमें एक ऑप्शनल कन्वर्जन है, एक कंपलसरी कन्वर्जन है। ठीक है, दिस इज सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 एंड 4। सर 2 कहाँ गया? ठीक है, 2 हमने बीच में राइट शेयर्स में ही कंप्लीट कर दिया क्लास। ठीक है, एक दो पॉइंट डिस्कस करते हुए 2 राइट शेयर्स में ही हमने कंप्लीट कर दिया। तो आगे बढ़ते क्लास, अपना राइट इश्यू हो चुका है, आज हम पहले डील करने वाले हैं ESOP या ESOS, that is employees stock option scheme. I hope it is clear. ठीक है, इस ऑप्शन में हम अपने employees को शेयर्स इश्यू करते हैं
कि तू हमारे शेयर्स खरीद। आई होप इट्स क्लियर। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ESOP यानी स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो, शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दे रहे हो, उनसे उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है, क्या हो सकता है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता दू, आपको बता दू। ठीक है, साइट्रस करके एक पेमेंट कंपनी है, जैसे आपने पेटीएम होता है वैसे पेमेंट बैंक्स होते हैं। ठीक है, उसने एक्वायर किया पीयू को, और साइट्रस ने जो शेयर्स एम्प्लॉइज के पास थे वो खरीद लिए। आपको बता दो, सिर्फ 50 एम्प्लॉय थे और उनको मिला रकम 43 करोड़ रुपीस। उनकी पूरी लाइफ बदल दी, क्योंकि कभी तो भी उन्होंने पेयू में स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। बस क्लियर, बहुत चर्चा में आया कि वहां पे एक पियोन था, एक सिंपल से एम्प्लॉय था, उसको 50 लाख रुपए मिले अपने शेयर्स के बदले में। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, अगली बात करते हैं। वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया था, तो फ्लिपकार्ट ने अपने एम्प्लॉयज को जो स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया था, उसके बदले में उनके सारे एम्प्लॉयज को 3500 करोड़ रुपए पे किए वॉलमार्ट ने उनके शेयर्स खरीदने के। अगर बात करूं पेटीएम की, जो पेटीएम का रिफाइनेंस हुआ था, ठीक है, तो इम्प्लॉय से शेयर्स खरीदे गए जो उन्होंने ESOP स्कीम में, ESOP स्कीम में लिया था 500 करोड़ रुपए का। सेम मिस, ठीक है, स्विगी का जब फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है, तो इम्प्लॉय से शेयर्स लिए गए थे 2800 करोड़ रुपए के। आप देख सकते हो क्लास, इम्प्लॉयज ने ये स्टॉक ऑप्शन तब एक्सरसाइज किया था जब ये कंपनी उतनी बड़ी भी नहीं थी। Is that clear? But उनको अपने इस शेयर्स के बदले में कितने हाई रिटर्न मिले हैं, ये आप समझ सकते हो। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने ESOP स्कीम, ESOP स्कीम एक्सरसाइज किया। तो सर ये ESOP स्कीम क्या है, ESOP स्कीम क्या है, ठीक है, समझते हैं, शुरू करते हैं। देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन हर कंसेप्ट की तरह इस कंसेप्ट को भी हम 4 पार्ट पर डिवाइड करेंगे। शॉर्टकट क्या है सर, मारो। एम से मीनिंग, ए से ऑथराइजेशन, आर से रेस्ट्रिक्शन, और ओ से अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट क्लास? तो सर ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता क्या है? सी क्लास, यहां पे हम ऑप्शन देते हैं या उनको राइट देते हैं, ठीक है, दिस इज ऑफर्ड टू एम्प्लॉय टू परचेज इट्स शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस इन फ्यूचर। तो मतलब क्या, मतलब आज हमने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया कि फ्यूचर में इस प्राइस पे चाहे तो तू हमारे शेयर्स खरीद सकता है। सर पहली बात तो ये ऑप्शन देते क्यों है, मैंने आपको याद होगा जो स्वेट इक्विटी शेयर्स पे भी ये कंसेप्ट सिखाया था कि हम चाहते हैं हमारे की एम्प्लॉयज जो है, ठीक है, वो दायित्व के साथ में अपने काम को अच्छे से करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने काम को करें, तो उन्हें साथ साथ अगर ओनर बना दिया जाए तो ऑफ कोर्स इट इज विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनी, कि वो एम्प्लॉय भी ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ क्लासिक एम्प्लॉय नहीं समझ रहा, इस केस में वो अपने आप को साथ साथ ओनर भी समझ रहा है, क्योंकि उसके पास शेयर्स भी है कंपनी के। अब अगर मैं इसको स्टार्टअप के एंगल से बात करूं, तो स्टार्टअप्स को ग्रो होने के लिए या कई कंपनीज को ग्रो होने के लिए अच्छे स्किल्ड एबल एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। अब ऑब्वियसली बात है क्लास, अगर वो स्किल्ड है, वो एबल है, वो टैलेंटेड है, तो उसको कंपनी में रोक के रखना पड़ेगा, और कंपनी में रोकना है तो आपको उसे झांसा देना पड़ेगा ESOP का, ESOP का, कि एम्प्लॉय हमें पता है कि तू बहुत एबल एम्प्लॉय है, वी वॉन्ट कि तू कंपनी छोड़ के ना जाए, वी वॉन्ट कि तेरे कारण कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तुझे मैं अटका के कैसे रखूंगा, तुझे मैं अटका के रखूंगा ये बोल के कि अगर तू 2 साल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर तू 2 साल मेरी कंपनी में काम करेगा तो मैं तुझे ऑप्शन दूंगा कि तू भी हमारा ओनर बन जा, आ जा हमारे साथ, तू भी हमारा ओनर बन जा, ठीक है, ये ऑप्शन दूंगा मैं एम्प्लॉय को। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, और 2 साल के बाद ऑप्शन दूंगा, और याद रखना ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम ऑप्शन देने के बाद और एक्सरसाइज करने के बीच में 1 साल का टाइम होना चाहिए। मतलब क्या, तुमने अगर 2 साल ईमानदारी से काम किया तो मैं ऑप्शन दूंगा। अब ऑप्शन में मिनिमम 1 ईयर है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना रखना है। सपोज आपने बोला 2 साल अगर तुमने ईमानदारी से काम किया
तो मैं तुझे ऑप्शन दूंगा, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे तू शेयर्स खरीद सकता है, बट शेयर्स कब खरीद सकता है, ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकता है, मिनिमम एक साल रखना पड़ेगा आपको। तो अपने केस में लग गया एक साल के बाद। अब क्लास वो एम्प्लॉई जी जान रहा है काम करेगा, बिकॉज उसको पता है कि दो तीन साल मैंने यहाँ पे अच्छे से काम किया तो मुझे ESOP स्कीम के अंदर, ESOP स्कीम के अंदर शेयर्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मेजरली पर्पस वही है कि आपका जो स्किल्ड या एबल्ड या बहुत डायनामिक या बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज है वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चलो उन्हें क्या कर दो, कंपनी का एम्प्लॉय बना दो, सॉरी कंपनी का शेयर होल्डर बना दो, उन्हें स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे दो। Is it clear? अब उन्हें ऑप्शन कब देना है ये आप डिसाइड करो आपकी कंपनी के हिसाब से। बस याद रखना ऑप्शन देने के बाद में तुरंत आप उन्हें शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, ऑप्शन देने के बाद में कम से कम उन्हें वो शेयर को एक्सरसाइज करने का, वेस्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर के बाद। आप 2 साल के बाद दो, 3 साल के बाद दो, आप ऐसी स्कीम रखो कि 3 साल काम किया तो 3 साल के बाद शेयर्स खरीद सकते हैं, मिनिमम 1 साल, ठीक है, आपके ऊपर है। 2 साल काम किया तो 1 साल के बाद, तो मिनिमम 1 साल के बाद, यानी ऑप्शन एक्सरसाइज करने के मिनिमम गैप 1 ईयर की होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो इससे फायदा क्या हुआ क्लास, ठीक है, देखो हम उन्हें शेयर्स का ऑप्शन दे रहे हैं, बट ये ऑप्शन एक्सरसाइज कब कर सकता है, फ्यूचर डेट पे, और अभी से एक अमाउंट डिसाइड कर लिया, प्री डिटरमाइंड अमाउंट। इसका एक एम्प्लॉय को फायदा क्या है ये समझो कि आगे जाके कंपनी के शेयर्स के प्राइस 500 हो, 1000 हो, कोई लेना देना नहीं है, अपन ने उन्हें 300 रुपए का ऑप्शन दिया, कितने का, 300 का, तो उसको पता है कि आगे जाके 500 भी हुए, 1000 भी हुए, अगर 1000 हुए तो उसको 700 रुपए का सीधा सीधा पहले तो बेनिफिट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सो वापस से बोल रहा हूं, ऑप्शंस ऑफर्ड टू एम्प्लॉय टू परचेज इट्स शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस इन फ्यूचर। इज इट क्लियर? ठीक है सर, क्या बोलते आगे ऑथराइजेशन में, क्या बोलता है, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय AOA, मतलब AOA में मेंशन होना चाहिए कि आप ESOP स्कीम दे सकते हो या नहीं, अगर नहीं मेंशन है तो आप ESOP स्कीम नहीं दे सकते। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा सर, देना है तो पहले AOA को ऑल्टर करना पड़ेगा, वो ऑप्शन डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इश्यू कर सकते हो ESOP स्कीम। नेक्स्ट यहाँ क्या पास करना पड़ेगा क्लास, SR। लॉजिक क्या है, SR मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा, 75% लोगों से कंसर्न लेना पड़ेगा। याद रखना राइट शेयर छोड़ के हर शेयर्स के लिए आपको SR पास करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ता है कि भाई बाहर वालों को दू या ना दू। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, OR फॉर प्राइवेट कंपनी एंड स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी को ESOP स्कीम देने के लिए SR की जरूरत नहीं है, OR भी पास किया चलेगा, और IFSC पब्लिक कंपनी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज में डील कर रही है, ठीक है, ऐसे कंपनी याद रखना अलग से डेफिनेशन दी है कंपनी लॉ में, एक तो स्टार्टअप कंपनी के लिए और IFSC कंपनी के लिए। सो IFSC कंपनी क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबली या तो कल के लेक्चर में या शेयर्स का लास्ट लेक्चर परसों होगा शायद, ठीक है, उस समय मैं आपको ये भी दोनों पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ याद रखो पूरे कंपनी एक्ट में प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे एग्जेम्पशन है, स्मॉल कंपनी को बहुत सारे एग्जेम्पशन है, और IFSC पब्लिक कंपनी और IFSC प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो दिस माइट हैपन कि बाकी कंपनी से दूर अलग हो और IFSC कंपनी से दूर अलग हो। इज इट क्लियर? सो इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय AOA, SR पास करना पड़ेगा जनरली, बट अगर प्राइवेट कंपनी है या IFSC पब्लिक कंपनी है तो OR भी पास किया तो चलेगा। क्या बोलता है, सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा, वो भी क्या लगेगा, OR इफ ऑप्शन इज गिवन, ठीक है, कितने का, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1%। मतलब क्या, ये जो आपका ऑफर है, जिस ऑफर के थ्रू आप एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हो वो कितने रुपए का ऑफर है, लमसम कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हो क्लास, कितने के शेयर्स इश्यू कर रहे हो, अगर वो अमाउंट ठीक है टोटल आपके इश्यू कैपिटल का 1% या उससे ज्यादा है, यानी आप सब्सटैंशियल शेयर्स इश्यू कर रहे हो एम्प्लॉयज को, तो ऐसे कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, और एक रेजोल्यूशन इनको ये बताने के लिए, देखो भाई अपन जितना इश्यू कर रहे हैं, अपने SR तो पास कर लिया, पर अपन जितना इश्यू कर रहे हैं वो छोटा मोटा इश्यू नहीं है, टोटल इश्यू कैपिटल का 1% या उससे ज्यादा है, तो आपको फिर से कंसेंट देना पड़ेगा, OR पास करना पड़ेगा, आप बताओ ये करना है कि नहीं करना है। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नाउ सर, रेस्ट्रिक्शन क्या बोला आपको बता चुका हूं,
कि ऑप्शन ग्रांट करने का और ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बीच में कम से कम एक साल का टाइम होना चाहिए। तो अगर मैं आज ऑप्शन दे रहा हूं कि आप चाहो तो इस प्राइस पे मेरे शेयर्स खरीद सकते हो, तो मुझे वो एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम एक साल का टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम है ये। आप बोलो 2 साल के बाद एक्सरसाइज करेगा, 3 साल के बाद एक्सरसाइज करेगा, चलेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इंप्लॉइज को भी पैसे जमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आप 1 महीना बोलोगे, 2 महीना बोलोगे, 6 महीना बोलोगे क्लास, उसके पास उतना पैसा नहीं हो सकता या फिर उसके पास शायद फंड्स ना हो अवेलेबल। तो याद रखना, आज मैंने ऑप्शन दिया तो मिनिमम ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम 1 साल होना चाहिए आज से, मिनिमम। आप 2 रखो 3 रखो वो आपके ऊपर है। और आज ही क्लास प्राइस डिसाइड कर लो कि इस प्राइस पे हम आपको इशू करने वाले हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, बट मिनिमम आपको कितना पीरियड रखना पड़ेगा, 1 ईयर। 1 साल का पीरियड कम से कम आपको रखना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो यहाँ पे एरो हो जाएगा। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है, दिस इज गिवन टू एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन रूल 12। याद रखना ये सेम रूल जो था क्लास, वो एक स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए भी अप्लीकेबल था। कौन से एम्प्लॉय को देते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय को देते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है, सेम रूल। नंबर 2, ठीक है, वो कंपनी का डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, मैटर नहीं करता, बट वो एम्प्लॉय कंपनी के प्रमोशन से जुड़ा नहीं होना चाहिए। आपने नोट्स में देखोगे तो आपको रूल 12 की पूरी डेफिनेशन दिख जाएगी, वो पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, हमको पूरा पढ़ना है। आई होप इट इज क्लियर। सो गिवन टू एम्प्लॉयज डिफाइंड रूल 12, लॉक इन पीरियड टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। क्लास आई वुड एडवाइज यू, अगर ये कर रहे हो तो कंपनी के लिए अच्छा है कि कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड होना चाहिए। बस कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, एम्प्लॉय जाते कोई भरोसा नहीं है। आपने आज शेयर्स दे दिए, वो बंदा शेयर्स बेच के आपकी कंपनी छोड़ के निकल लिया और आप सोच रहे थे कि अपन इसको रिटेन करके रखेंगे इस ऑफ स्कीम के झांसे से, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप डिसाइड करो, लॉ ने कोई रूल नहीं रखा, आप डिसाइड करो कि लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए। लॉक इन पीरियड मतलब इतने टाइम तक एम्प्लॉय तू वो शेयर्स जो तुझे मिले हैं वो किसी और को बेच नहीं सकता। आई होप इट इज क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट ESOP स्कीम, और ESOP स्कीम बहुत सिंपल है, एकदम बेसिकली बात करें सर तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उनको शेयर्स दे रहे हैं ताकि वो साथ साथ ओनर बन जाए, इज इट क्लियर, और कंपनी छोड़ के ना जाए। बट ये जो ऑप्शन उनको दे रहे हैं वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, 1 साल का टाइम मिनिमम रखना पड़ेगा और आज ही उनको प्राइस बता देना है आपको। बड़े इश्यू अलॉट कब करना है, 1 साल के बाद, ठीक है। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम कब है, 1 साल के बाद, 1 साल 2 साल जो भी आप रखो, मिनिमम 1 साल रखना पड़ेगा। बट आज ही आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस बताना पड़ेगा। सर ये एवं ऑथराइज होना चाहिए, SR पास करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी या IFSC पब्लिक कंपनी है तो OR पास करना पड़ेगा, और अगर ये अपना इश्यू का अमाउंट टोटल इश्यू कैपिटल का 1% या उससे ज्यादा होता है तो सर फिर साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको और एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में लिखा है सेपरेट रेजोल्यूशन, OR SR नहीं दिया हुआ है। जब भी लॉ बोलता है रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग और SR लिखा हुआ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, OR। इज इट क्लियर। चलो रिस्ट्रिक्शन क्या है, कम से कम 1 साल का पीरियड बीच में देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रूल 12 देख लिया आपने, लॉक इन पॉइंट देख लिया आपने, और एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन सारे लोगों का, इन फॉर्म नंबर SH6। इससे मुझे और एक पॉइंट याद आया कि आपको याद होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का भी रजिस्टर मेंटेन करने को हुआ था, फॉर्म नंबर क्या था, बोलो SH3। इज इट क्लियर। सेम एज इनका भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर इज SH6। ओके क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब सर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने कभी ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा क्लास, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ESPS। सर ESPS क्या है, इस वक्त हमने देख लिया क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है क्लास, वो भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते। देखो बेसिक्स, ठीक है, ESOP एंड ESPS, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, वो स्टॉक ऑप्शन स्कीम था, ये परचेज स्कीम है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या है क्लास, याद रखना ये नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर्स है। मतलब क्या, जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, आपको बताया था कंपनी कई बार डिसाइड करती है
कि टोटल इश्यू में से इतना मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के रखूंगा, इतना मैं जनरल पब्लिक के रखूंगा, एंड दिस माइट हैपन कि वो प्लान कर रहे कि इतना मैं एम्प्लॉय के लिए रखूंगा, तो वो भी जो भी कंपनी का नया ऑफर होगा उसमें वो पब्लिक ऑफर में अगर एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है कि इतने शेयर्स में एम्प्लॉय को दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। यानी कंपनी एम्प्लॉयज के लिए भी इतने शेयर्स निकाल के रखी है, तुम चाहो तो हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हो। बट याद रखना क्लास, यहाँ पे कोई डिस्काउंट में नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी डिसाइड करेंगी, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑफर, नॉर्मल इश्यू। यहाँ कोई प्री डिटरमाइंड प्लान नहीं है, मार्केट प्राइस के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है, जो बाकी लोगों के लिए प्राइस है, वो ही इनके लिए होगा। बस हमने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो, ठीक है, तो आपके लिए इतने निकाल के रख दिया हमने, आपको जनरल पब्लिक से झगड़ने की जरूरत नहीं है, इतना ऑप्शन हमने आपके लिए निकाल के रखा है, दैट्स इट। अब वो आपके ऊपर, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ओके, सो डिफरेंस क्या है, बात करते हैं मीनिंग। इस ऑफ में क्या हुआ, ऑप्शन दिया एम्प्लॉय डायरेक्टर टू एक्वायर शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्लान प्राइस। ESPS की बात करो तो कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स टू एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इश्यू। पब्लिक इश्यू में 10 करोड़ रुपए मुझे रेस करने हैं, 8 करोड़ मैंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से रख दिया हमने, ठीक है, और पब्लिक जनरल पब्लिक के रख दिया, और 2 करोड़ रुपए हमने अलग से निकाल के रखे कि एम्प्लॉय तुम चाहो तो ये ले सकते हो। तो ये जो एम्प्लॉय को ऑप्शन मिला परचेस करने का, इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर में इतने का उनके लिए निकाल के रखा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सर, लॉकिंग पीरियड। यहां पे डिसाइड करती है कंपनी, मैं बता चुका आपको पहले, ESPS में नॉर्मली कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। क्यों? बिकॉज इन नॉर्मल शेयर्स जिसे हम पब्लिक को दे रहे हैं, ये वैसे ही है, सिर्फ एम्प्लॉयज ने निकाल के रखा, खत्म। तो उसके लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। वहां लॉकिंग पीरियड क्यों निकाला था, क्योंकि उसका पर्पज था कि एम्प्लॉय छोटे नहीं जाना चाहिए। यहाँ क्या, एम्प्लॉय शेयर्स ले ना ले तो हम जनरल पब्लिक को दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ESPS स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। नेक्स्ट सर, लिस्टिंग, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा इस स्टॉक स्कीम में, बिकॉज आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट, काइंड ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले। बट ESPS स्कीम इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफर, भैया इसके जो शेयर्स लिस्टिंग कंपल्सरी है, ठीक है, ये जो शेयर्स आप पूरे दे रहे हो लिस्टिंग कंपल्सरी है, बस फर्क इतना है उसमें से कुछ शेयर्स हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दे रहे हैं, कुछ शेयर्स जनरल पब्लिक को दे रहे हैं, और कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, बाकी है ये कंपल्सरी। ओके क्लास, चलो कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, प्राइस ऑफ शेयर्स। यहां हमने देखा कि पहले से ही कंपनी प्री डिटरमाइंड प्राइस डिसाइड कर देती है, बट ESPS में जैसा नॉर्मल लोगों को मिल रहा है वही प्राइस आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? सो हमने एम्प्लॉयज से रिगार्डिंग, डायरेक्टर्स से रिगार्डिंग, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, या उनको ESOP स्कीम दे सकते हो। इसमें उनको अभी से ऑप्शन दिया कि फ्यूचर डेट पे आप खरीद सकते हो इस प्राइस पे, इज इट क्लियर? या फिर जनरल पब्लिक को जब दे रहे हैं तो कुछ पैसा निकाल, कुछ शेयर्स निकाल के रखे किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, अंडर ESPS स्कीम। समझा क्या? सो सेक्शन 62 में अपना राइट शेयर्स कंप्लीट हो गया क्लास, अपना ESOP कंप्लीट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है। थर्ड कंसेप्ट है प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। सर प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब क्या? अगर आपको याद होगा मैंने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ाया था, मैंने बोला था अगर मेरे पास इन्वेस्टर्स रेडी है तो मैं काहे पब्लिक ऑफर इश्यू करूंगा, काहे इतना खर्चा करूंगा प्रोस्पेक्टस में, मैं सीधा डिसाइडेड लोगों को दे दूंगा। सर परफेक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट सर सेक्शन 42 डील करता था, ये अलग से सेक्शन 62 में क्या लिखा हुआ है? याद रखना क्लास, प्राइवेट प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, दो लोगों को होते हैं, या तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को लमसम दे दिया, या फिर कुछ VIPs को दिया। याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, या तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया, या कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया। इज इट क्लियर? कुछ डिसाइडेड लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को, ठीक है, हमने डिसाइड किया, उन VIP लोगों को हमने लमसम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया। अब पॉइंट समझो क्लास, ये शेयर जो आपको ऑफर देना था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अंडर राइट इश्यू, आप क्या कर रहे हो, बाहर वालों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रहे हो।
तो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया, आपको डायरेक्टली अगर बाहर वालों को देना है, किसी खास लोगों को देना है, क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। यस, कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है। अब सर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्यों करती है? नंबर वन, या तो उन्हें पब्लिक ऑफर के लफड़े में पड़ना नहीं है, नंबर टू उसके पास इन्वेस्टर्स रेडी है, या नंबर थ्री उसको पता है कि अगर वो पब्लिक ऑफर में जाएगी, ठीक है, तो उसके शेयर्स लोग सब्सक्राइब करने वाले नहीं है। नॉर्मली गिरती हुई कंपनी, डूबती हुई कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके खत्म कर देती है। जैसे आपको याद होगा सत्यम स्कैम हुआ था, तो सत्यम कंप्यूटर्स को महिंद्रा वालों ने खरीद लिया था, इज इट क्लियर? ठीक है, महिंद्रा टेक ने खरीद लिया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, क्या सत्यम कंप्यूटर्स ने जनरल ऑफर दिया था? नहीं, उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था। एंड ऑब्वियसली बात है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सेक्शन 62 और सेक्शन 42 दोनों भी कंप्लाई होने चाहिए। इज इट क्लियर? फिर से क्या बताया, इन्वेस्टर्स रेडी है मेरे पास, कंपनी की हालत इतनी खराब है कि पब्लिक खरीदने वाली नहीं है, जनरल पब्लिक, तो ठीक है हमने किसी स्पेसिफिक को ऑफर दे दिया कि भाई तू तो इतने शेयर्स खरीद ले, चाहे तो मेरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, इज इट क्लियर, और मेरी कंपनी के साथ जो करना है वो कर ले, उसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? इसमें भी चार पॉइंट्स हैं, मारो। सो प्रेफरेंशियल इश्यू इज इश्यूड बाय ऑफ शेयर्स बाय कंपनी टू सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें क्लास कई बार ये भी होता है कि हम प्रमोटर्स को ये ऑफर देते हैं, प्रमोटर्स को भी ऑप्शन रहता है कि सिर्फ प्रमोटर्स को देंगे, ठीक है, या फिर ठीक है बाहर वाले स्पेसिफिक कुछ कंपनीज को देंगे, ये भी ऑप्शन होता है। तो टू सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, प्रेफरेंशियल मतलब क्या, बाकी लोगों को छोड़ के तुमको हमने प्रेफरेंस दिया है कि तुम खरीदो, पहले तुमने नहीं खरीदा तो हमको क्या करना है, हम करेंगे, बट अभी तुमको प्रेफरेंस दे रहे हैं, पहले तुम लोग, इज इट क्लियर? ठीक है, ऑथराइजेशन में ऑफ कोर्स इट शुड आल्सो बी ऑथराइज्ड बाय एओए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन शेयर कैपिटल शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए, बिकॉज़ एओए डील्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो शेयर्स रिगार्डिंग सारे रूल्स कहां पे दिए होंगे, क्लास एओए में दिए होंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको सभी गाइडलाइंस भी फॉलो करना पड़ेगा। ये लिखो मत लिखो बात एक ही है, लेकिन लिखो ज्यादा अच्छा है, हर कंसेप्ट में लिख सकते हो, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज याद है हमने सेक्शन में देखा था, एक प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 24 में, कि लिस्टेड कंपनी और कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग को सेबी गवर्न करती है रिगार्डिंग थ्री थिंग्स, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पास्ट, शॉर्टकट याद है क्या, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, देखो शेयर्स यहाँ पर चल रहा है, एंड फेलियर टू पे डिविडेंड, पास्ट, prospectus allotment of securities, shares and debentures, and इस तरह dividend pay नहीं किया तो, okay class, चलो sir restriction की बात करें तो ये भी fully paid up shares होने चाहिए till allotment, मतलब क्या, ठीक है भाई subscription में इतना दे दे, ठीक है, but allotment तक पूरा पैसा complete होना चाहिए। मैं वो पहले ही बात कर चुका हूँ कि private placement में हम लमसम पूरा पैसा साथ में लेते हैं, बहुत ज्यादा उनको options या calls के option नहीं देते, जब तक अलॉट करो तब तक पूरा पैसा रहना चाहिए। आप भले कितनी भी इंस्टॉलमेंट दे दो उनको, बट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद जब अलॉट करोगे तो पूरा पैसा आपके हाथ में आ जाना चाहिए, ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। ऑफकोर्स क्लास, ये कंपनी डूब रही है, ठीक है, ये कंपनी के शेयर्स की मार्केट में क्या प्राइस है अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि बायर और सेलर दोनों क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करवाते हैं। तो ठीक है, यहाँ एक वैल्यूअर आएगा, ठीक है, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएगा, और वो चेक करेगा, हिसाब करेगा कि मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर्स का, फिर दोनों कंपनी के बेसिस पे ये फाइनल होगा कि प्राइस कितना होना चाहिए। नेक्स्ट सर, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ पासिंग एसआर। ये सिमिलर पॉइंट का हमने कहा देखा था स्वेट इक्विटी शेयर्स में, कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करने के 12 महीने के अंदर अलॉटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके, चलो, सो ठीक है, अदरवाइज न्यू रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन 62 में हमने राइट शेयर्स देख लिया,
दूसरा ऑप्शन हम देखा फर्दर इश्यू करना है शेयर्स, तो या तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को दो, पब्लिक को जनरल ऑफर दो, वो तो ऑब्वियसली ऑप्शन है, अपने एम्प्लॉयज के लिए अलग से स्टॉक ऑप्शन स्कीम बनाओ, या फिर क्लास आप चाहो तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कुछ लोगों कर सकते हो लाइक अ प्राइवेट प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, उसमें दो तीन ऑप्शन में से एक है प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, जहां भी प्रेफरेंशियल इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल में कुछ इश्यू आएगा तो सेक्शन 62 स्पेसिफिक पोर्शन एप्लीकेबल होगा, जहां सेक्शन 62 साइलेंट है वहां सेक्शन 42 कंप्लाई होगा। ओके क्लास, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो क्लास, अभी रिसेंटली एक नया बैंक शुरू हुआ 2015-2016 में, इसका नाम है IDFC फर्स्ट। ठीक है, एक बड़ी कंपनी कैपिटल फर्स्ट और एक पुराना बैंक था IDFC, ठीक है, दोनों ने मर्ज करके ठीक है एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिया है। आई होप इट्स क्लियर। अगर आप इसको नोटिस करोगे क्लास, तो यू कैन सी कि आपको मैंने दो चीजें बताई थी, बाहर वाले कुछ खास लोगों को देंगे और प्रमोटर्स को देंगे। देखो IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को उनने 40% शेयर्स दिए। आई होप इट्स क्लियर, मतलब मेजर स्टेक अपने पास रखा 40% का। और यू कैन सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 4.56% शेयर्स दिए। एक बड़ा और SDFC लाइफ इंश्योरेंस को दिया, ठीक है, डेसाइड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को दिया। ऐसे कुछ स्पेसिफिक लोगों को उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया और IDFC को फिर से रिवाइव किया। और पूरे इंडिया में एज ऑफ नाउ IDFC फर्स्ट बैंक के 27 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, नागपुर में अभी तक नहीं आया। ठीक है, 27 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। आई होप इट इज क्लियर। सो IDFC फर्स्ट ने अभी रिसेंटली एक बड़ा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, जैसे बाहर वालों में ICICI, ठीक है, डेसर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस को मेजर शेयर्स मिले हैं, बाकी तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है क्लास। ओके चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सर? नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताया था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। सर ये ऑप्शनल कन्वर्जन क्या है और कंपलसरी कन्वर्जन क्या है पहले ये समझ लो। ऑप्शनल कन्वर्जन बहुत इजी है, कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू किए थे। क्या बोला? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू किए थे, खुद ने ऑप्शन दिया, अब जाके वो कन्वर्ट हो गए इनटू शेयर्स। तो क्या हो गया, आप हमको उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या क्या ऑप्शन में लोगों को शेयर्स देने पड़ेंगे, जनरल पब्लिक को राइट शेयर्स, एम्प्लॉयज को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सारे ऑप्शंस बता रहा हूं। उसमें ऑप्शन एक ये है कि आपने कन्वर्टेबल लोन दिया था या कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया था, आपने खुद ने ऑप्शन दिया था, कोई कंपल्सरी नहीं था। ठीक है, आपने खुद ने ऑप्शन दिया था। अब सपोज आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू शेयर्स, तो वो 3 साल अभी हो चुके हैं, अब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, अब आप उनको इनको इश्यू करना पड़ेगा शेयर्स। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो क्या बोलता है, फॉर कंपनी टू हुम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल लोन इज इश्यूड, ठीक है, सेक्शन 62 शैल नॉट अप्लाई। ये देखो पॉइंट, सेक्शन 62 अप्लीकेबल नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली बोला हुआ है। मतलब बाकी कोई सेक्शन SRBR OR ये सब कोई रूल अप्लीकेबल नहीं है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लोन इश्यू कर रहे हैं, जब उनका टाइम आ जाएगा उनको कन्वर्ट करके इश्यू कर दो क्या शेयर्स। ओके ठीक है, बट अलग जो है, इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज हेडिंग गलत है इसकी, यह कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, कंपल्सरी कन्वर्जन। इज इट क्लियर? हेडिंग गलत है, हेडिंग ठीक करना, कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, कॉपी पेस्ट में गलती हो गई। ठीक है, तो पॉइंट क्या है सर, कंपल्सरी कन्वर्जन क्या है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, ये चार्ट देखना। अगर आपने डिबेंचर इश्यू किया था या लोन दिया था, लिया था किससे, गवर्नमेंट से, स्पेसिफिकली क्लास ये सेक्शन किस पे डील करता है, गवर्नमेंट पे, कि अगर आपने डिबेंचर दिए थे किसको, गवर्नमेंट को, या लोन किससे लिया था, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को लगता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में है,
आपकी कंपनी बराबर काम नहीं कर रही, सरकार का पैसा डूब जाएगा, आपके इन्वेस्टर्स, आपके ओनर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके की मैनेजमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो पब्लिक इंटरेस्ट में दे चाहे दे कैन डायरेक्ट टू कन्वर्ट इनटू शेयर्स। एक सेकंड सर, क्या इनको आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिया था? नहीं सर, ये तो खास बात है, हमने उन्हें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नहीं दिया था क्लास, इन्होंने जबरदस्ती ठीक है हमारे शेयर्स को, हमारे डिबेंचर्स को या लोन को जो उनसे लिया था उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू शेयर्स। ये कंपलसरी है, ये वॉलंटरी या ऑप्शनल नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला है तो आपको करना पड़ेगा। फिर से, मैंने डिबेंचर दिया या लोन लिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोलती पब्लिक इंटरेस्ट में, भाई तुम बराबर काम नहीं कर रहे, हमारे जो डिबेंचर्स है हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू शेयर्स, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, ऑप्शन नहीं दिया, सीधा ऑर्डर दे दिया कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इज क्लियर? ये सेक्शन उस पर डील करता है। सेक्शन कौन सा है? 62 सबसेक्शन 4, मान वो गलत है, 62 सबसेक्शन 4। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो क्या बोलता है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, शेयर की प्राइस कितनी होंगी, शेयर की वैल्यू कितनी होंगी, रिडेम्पशन पीरियड क्या होगा, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अदर पॉइंट क्या बोलते हैं, देखो अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको लगता है आपके साथ में धोखा हुआ है, गवर्नमेंट आपके साथ गलत कर रही है, इज इट क्लियर? ठीक है, मोदी जी गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, इज इट क्लियर? हर चीज इंडिया में कुछ भी गलत होता है तो हम मोदी जी का नाम ले लेते आजकल, ठीक है, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं देश के, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में ठीक है, इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, सेकंड पॉइंट नहीं है, एरो है, दे मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 days फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ऑफर नहीं है, ऑर्डर है, बहुत गलती है इसमें, ठीक है। आज वो स्लाइड बनाने वाले थोड़ा सा ऑलरेडी हेडेक हो रहा था, चलो छोड़ो। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो ठीक है, आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं जिस दिन गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया उसे 60 days के अंदर, ओके ठीक है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर सच एक्शन, गवर्नमेंट ये एक्शन के लिए क्या पॉइंट्स कंसिडर करेगी? नंबर वन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, ऑफकोर्स खराब चल रही है तो ये होगा, अच्छी चल रही है तो फिर कंपनी के पास नेगोशिएशन पावर होता है, गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती। नंबर टू, टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन, क्या डिबेंचर्स एंड लोन में ऐसा कुछ कहीं ऑप्शन दिया हुआ था, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो किस वैल्यू पे था, उसी वैल्यू के आसपास ही शेयर्स की भी वैल्यू रखी जाती है, ओके। सी, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा फंसा हुआ है ना, गवर्नमेंट का पैसा मतलब जनरल पब्लिक का पैसा, तो पब्लिक इंटरेस्ट में, ओके ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था डिबेंचर और लोन का, तो यानी कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उनको, ये चीजों को भी ध्यान दिया जाएगा, ओके क्लास ठीक है। तो आज वैसे मैं और एक कंसेप्ट पढ़ने वाला था आपको, रिडक्शन ऑफ शेयर्स, बट वो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी उसमें, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो, ओके। तो आज मैंने मेजरली कवर किया 3 बड़े बड़े पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1 हमने आज कवर किया क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, उसके साथ हमने एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम भी खत्म कर दिया। दूसरा, हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है वो देख लिया, ठीक है। तीसरा, हमने कन्वर्जन ऑफ शेयर डिबेंचर्स और लोन इनटू शेयर्स देख लिया, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, असाइनमेंट सॉल्व करो, एज ए क्लियर, और अच्छे से पढ़ाई करो। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।